पैसे वापस कर, पैसे से कुछ नहीं मिलेंगे। देखता नहीं मेरे नहीं लिखा है। मूर्ति गोलियों पर इंग्लैंड की मोहर लगाकर चार तो बिजी करता है। इसने क्या चाचू खुशी है? मैं तुझे भी मना सिखाता हूँ। अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ, वो तेरा मार मार के देख लूंगा तेरे भाइयों को। अरे इस मोटे के दोस्तों ने तेरा मार मार के भुरकस निकाल दिया तो? अरे मैं अकेला एक एक से निपट लूंगा। तुम अकेले ही निपटोगे ना? तो फिर मैं जा। कहाँ जा रहे यार? वहाँ गारा है ना, गारंग सब खेले। अच्छा भाई जा, लेकिन जल्दी आ जाना। पैसा पैसा यार, पैसा 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 ला। हाँ सस्ता माल है, जल्दी लो एक में दो। ये खिलौना क्या है? इस खिलौने को मैं ले लूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसे बहुत संभाल के रखना, ये मुझे अपनी जान से ही प्यारा है। मैं भी इस खिलौने को अपने जान से ही प्यारा समझूंगी। चलो। क्या है? जीवन। जीवन? हाँ बहुत बुरा लड़का है, मुझसे टाफियां छीन कर खा जाता है। कहीं ये खिलौना न ले ले। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तेरे हाथ में क्या है? तू कौन होता है पूछने वाला? तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? खबरदार जो भोली भाली लड़की पर हाथ उठाए। अब चला जा यहाँ से। हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन तुझसे और गौरव से इसका बदला न ले लिया तो मेरा नाम भी जीवन नहीं। क्या हुआ इंदर? क्या हुआ? उस मोटे ने मार मार के भुरकस निकाल दिया मेरा। बड़ा बदमाश है वो, मैं उसकी जान ले लूंगा। छोड़ यार, क्या मिलेगा जान मार कर? ये दुनिया ही ऐसी है, किसी को अक्ल की कमाई खाने ही नहीं देती। लेकिन इंदर, वो मोटा झूठ तो नहीं कहता था कि इंग्लैंड की मोहर लगाना 420 है? क्या 420 इंग्लैंड की मोहर में? मोहर तो कागज पे लगा जाती है, और कागज मेड इन इंग्लैंड का नहीं तो क्या उस मोटे के बाप को बनाएगा? अरे भाई धोखा तो जब था कि मैं टॉफी पे मोहर लगाता। देख खैर भाई कह जा, ये दुनिया ही ऐसी है। अरे मैं बना दूंगा, मैं गुड़ की ही टॉफी बनाऊंगा और उन्हें यही खाना पड़ेंगे। चाराने की दो। जरूर जरूर, इसमें क्या शक है? अरे मुंह में गुड़। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इस गली सड़ी कढ़ाई की जगह एक बिजली से चलने वाला ओवन होगा, और फिर एक एक दिन में 1,000 रुपए की टॉफियां बनेंगी। अक्ल की कमाई मेरे भाई, अक्ल की कमाई। ये देखो, इस स्विच को यू कर दिया तो टेम्परेचर कम हो गई। राजू, बिजली के ओवन की टेम्परेचर तो स्विच बंद करने से कम हो जाती है, लेकिन इस दिल की टेम्परेचर को क्या करूं जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरी मानो तो शादी कर लो। सुनता है मालिक, अगर मेरी नहीं, मेरी तो तूने कभी नहीं मानी। मिस मारिया से लव किया तो वो मिस्टर जॉन की बीवी बन गई, मिस डिसूजा स्विट्जरलैंड चली गई, और मिस डिकॉस्टा का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब है तुम्हारी शादी का कोई प्रोग्राम नहीं? प्यारे ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कहते हो तो अपनी डायरी में अभी 10-20 लड़कियों के नाम दर्ज है। देखो कौन जाने कमला बिमला सरला रीटा में से कौन सा लकी नंबर साबित हो। ये लो तुम्हारे लिए तो शादी और लॉटरी एक बराबर है भैया। तेरी मशीन। तेरी मशीन? और तू चला? अच्छा तू चला तो मैं भी चला। आज प्रीति रीटा से शादी करके ही रहूंगा। क्या हुआ अपने से 2-4 इंच लंबी है? चांद के साथ चले या
एक ऐसी यादगार जो मुझे जान से भी प्यारी। देखो एहतियात से कहीं टूट ना जाए। ऐसा भी क्या है, अगर कोई टूटने वाली चीज हुई तो हम नहीं ला देंगे। राजू ये वैसी चीज नहीं जो एक बार टूट जाए तुम मुझे नहीं ला दो और मैं बहल जाऊं। लेकिन तुम इसे अपने साथ क्यों लिए फिरती हो? तुम्हें देने आई थी कि इसे मेरी अमानत जानकर अपने पास रख लो। जानते हो बाबा कहते हैं कि अरे पगली अब ना खेला कर इन खिलौनों से, अब तो तू जवान हो गई है। फिर जानते हो क्या कहा उन्होंने? बोले गौरा अब हम तेरी शादी कर देंगे, लड़कियां जवान हो तो ब्याह दी जाती। ये क्यों राजू तुम्हें नहीं पता? नहीं तो कितनी भोली हो तुम। भोली से तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि मैं बेवकूफ हूं? बोलो ना राजू। जवानी और शादी का एक अजीब ताल्लुक है गौरव। जिस मर्द दिल जो जो जवान होता जाता है इंसान की रूह अकेलेपन के एहसास से उदास होती जाती है। कभी एक खौफनाक तूफान देखा है गौरव? बल खाता हुआ बगुला धरती के सीने पर से गुजर जाता है जैसे तलाश में हो किसी दूसरे तूफान की, किसी दूसरी आंधी की। और फिर जब कभी दो आंधियां मिल जाती हैं दूसरे से, आग आग से तड़प तड़प से बेचैनी बेचैनी से, तो फिर कुदरत का एक अटल कानून उन्हें चैन और शांति में बदल देता है। गौरा यही चैन और सुकून इंसान की आखिरी मंजिल है। तो राजू इसका मतलब है कि हम दो इंसान भी हैं और दो आंधियां भी, और हमारी रूहें उसी चैन उसी सुकून के लिए तड़प रही हैं जो एक दूसरे में हमेशा के समा जाने से मिलता है। मुझे आज मालूम हो गया कि अगर मैं एक तड़पती बलखाती आंधी हूं तो मेरी हर तड़प तुम्हारे लिए है। गौरा राजू उस खिलौने को संभाल कर रखना, वो दो आंधियों के मिलाप की निशानी है। आओ चले। दो आंधियां? आंधियों के मुंह तोड़ दिए जाएंगे। मैडम ओ ओ ओ मैडम है दो से हो गए एक, हम ना पापा ना हम। ओ मैडम ओ मिस्टर ओ ओ ओ मिस्टर की कहार नालू की से बड़ी कम कम। ओ मिस्टर पापा खुश मामा खुश, पापा खुश मामा खुश देख के अपनी जोड़ी। वो क्या जाने अपनी शादी की मुद्दत है थोड़ी, कल की किसने देखी प्यारे आज सुनाते हम। ओ मिस्टर ओ मैडम ओ ओ मैडम हाँ दो से हो गए एक, हम ना पाका ना हम। ओ मैडम ओ मिस्टर
लेकिन मेरी बुलबुल मेरे जय आने जानी आने जानी जानी यानी 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 जानी जानी लेकिन मेरी बुलबुल मेरे जय आने जानी कौन ये जाने कब पड़ जाए डाइवोर्स का बम। ओ मैडम ओ ओ मैडम ओ ओ ओ मैडम हे दोस्त हो गए एक हम ना पाता ना हम। ओ मैडम मेरे तो है एक गुब्बारा मेरे तो है एक गुब्बारा कभी न फूले सारा मार मार के फूके थक जाए मियां बेचारा मार मार के फूके थक जाए मियां बेचारा। अरे अच्छी है वो बीबी जिसका जल्दी निकले दम। क्यों मैडम अबे जा मिस्टर। ओ मैडम दोस्ते हो गए एक हम ना पाता ना हम। ओ मैडम ओ मिस्टर ओ ओ ओ मिस्टर जिसका हर ना दूसरी से बाजे बम बम। ओ मिस्टर ओ मैडम ओ मिस्टर ओ ओ मैडम। राजू आओ भाई आओ। राजू ये अपनी प्रीटी रीता दार्जिलिंग है। तुम नाराज हो? नाराज होने की कोई बात नहीं राजू, मेरा चाल चलन अच्छा है। ये अपनी प्रीटी रीता दार्जिलिंग है। राजू भैया क्या करारी तबीयत पाई है तुम्हारी भाभी ने? मेरी भाभी? दिमाग खराब हो गया तुम्हें? अरे तुम मेरी बात तो सुनो। बात ये है राजू कि वो तुम्हें गौरा की आवाज आई थी ना, तुम तो भैया उधर चल दिए और इधर अकेले में अपनी तबीयत डावाडोल हो गई। मैंने कहा इंदर लानत है तेरी जिंदगी पर, जिंदगी है कमबख्त और कोई औरत नहीं। भैया मैंने भगवान से प्रार्थना की, कहा मालिक ओ मालिक दे दे एक दे दे एक अदद औरत दे दे। बस भैया ये कह के मैं क्लब की तरफ लपका ही था कि सामने सांधी से टक्कर हो गई। फिर क्या था, इसकी आंखें मेरी आंखें दोनों की आंखें बस 2:2 मेक इट 4 यानी कि 4 हो गई। मैंने कहा मैडम जी ओ मैडम जी मुझ पर तरस खाओ जी, मैं यतीम हूं जी, मुझसे ब्याह कर लो जी, मैं तुम्हारी बड़ी सेवा करूंगा जी। फिर क्या हुआ? अब फिर हम दोनों ने शादी कर ली। ये तो कमाल कर दिया है। अरे कमाल प्यारे, ऐसे छोटे मोटे कमाल तो हम दिन रात 24 घंटे करते रहते हैं, मगर देखो अब तुम एक बड़ा सा कमाल कर डालो, गौरा से जल्दी शादी का प्रोग्राम बना लो और देखो ये काम चुटकी में हो जाना चाहिए। पायलागंज द्वारकनाथ जी कौन? जीवन जीते रहो। हाँ बैठो। अरे भी कहाँ रहे इतने दिनों तक जी? बैठो बैठो। मैं तो यही था, कल हाजिर भी हुआ लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं जरूरी काम से जरा गया था। जी हाँ क्यों नहीं, बड़े आदमी हैं, फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए तो दूसरे फायदा उठा ले जाते हैं। जीवन मेरा मतलब राजू से। क्या किया है उसने? वो गौरव की जिंदगी से खेल कर एक बाप की गर्दन शर्म से झुका देना चाहता है। मैं राजू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, समझे? आप राजू के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन जो कुछ लोगों से सुना है वो जरूर आपके कानों तक पहुंचा देना चाहता हूँ। क्या सुना तुमने? वो ये कहते हैं कि इस तरह राजू और गौरा का छुप छुप कर मिलना। जीवन गौरा मेरी बेटी है। यही तो अफसोस है द्वारकानाथ जी, मैं जानता हूँ कि राजू और गौरा एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर मैं इंदर को दोनों की शादी का वचन भी दे चुका हूँ। राजू एक अच्छा और नेक इंसान है,
दौलतमंद है, टॉफी फैक्ट्री का मालिक है। मैं समझता हूं कि मेरी बेटी उसके घर सुख से रहेगी, समझे? तो क्या धन दौलत ही दुनिया में सब कुछ है? मैंने कहा ना कि वो एक अच्छा और नेक इंसान भी है। अच्छे और नेक इंसान धोखा नहीं दिया करते? किसको धोखा दिया है उसने? आपको। मुझे? एक तरफ तो वो आपकी लड़की को पसंद करता है, उसे चाहता है, और अब क्या बताऊं आपसे, वो हमारे दूर के रिश्तेदार की लड़की से मंगनी कर चुका है। राजू की मंगनी? राजू की मंगनी हो चुकी है, उसने लड़की को भी देख लिया है, और अब कुछ दिनों के बाद उसकी शादी भी हो जाएगी। ये सब झूठ है। सच तो उस वक्त साबित होगा जब आप अपनी आंखों से देख लेंगे। यकीन ना हो तो इंद्र की रीटा को देख लीजिए, उसी तरह एक दिन राजू भी दुल्हन ले आएगा। राजू ऐसा कभी नहीं करेगा, गौरव और राजू बचपन के साथी हैं। पर अब बड़े होकर भी साथी रहेंगे, यही ना जीवन? हो गए राजू, ईश्वर तुम्हें इस धोखे और जुल्म की सजा देगा। गौरव, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अभी अभी जीवन ने बाबा को सब कुछ बताया। कौन है वो आसमान की रानी जिसे देखते ही तुम धरती वाली गौरव को भूल गए? वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है,
खूबसूरत नहीं, बहुत ही बदसूरत है। इतनी ज्यादा बदसूरत कि उसे देखते जी चाहता है उसका गला घोंटते। तो फिर वो शादी वाली बात झूठी है? शादी वाली बात पक्की है, मैं वाकई उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम क्या कर लेती अगर मैं तुम्हें बता देता तो? मैं राजू, मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए सुलगते हुए अंगारों में अपना चेहरा डालकर बदसूरत बन जाती, इतनी गंदी शक्ल बना लेती कि लोग देख के थूक देते। फिर मैं दिल ही दिल में पागलों की तरह हंसती, खुश होती कि इतना गंदा चेहरा होते हुए भी मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की, इसलिए कि यह चेहरा राजू को अच्छा लगता है, मेरे राजू को पसंद है। राजू, तो आओ इसी वक्त आग जलाकर अपना चेहरा झुलसा लो। मुझे मंजूर है। राजू, अब तो बता दो वो बदसूरत लड़की कौन है जिसे तुम शादी करना चाहते हो? बता दो, उस लड़की का नाम है गौरा। सच कहते हो या ये भी एक फरेब है? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता ना? यकीन तो आता है लेकिन दिल दो ही गया, यही ना? तो तुम्हें हमेशा के लिए यकीन दिला दो। मुझे यहां क्यों लिया है? तुम्हें यकीन दिलाना, देवता गवाह है कि राजू सिवा गौरा के और किसी को नहीं चाहता। राजू, मुझे माफ कर दो। नहीं गौरा, आज हम हमेशा के लिए विश्वास और यकीन की डोर में बंध जाने वाले हैं। और फिर हम देवता से वादा करते हैं कि दुनिया तो क्या, मौत भी हम दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकेगी। मैं वादा करती हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मौत भी मुझे तुमसे न छीन सकेगी। राजू, अब चले, बाबा राह देख रहे होंगे। चलो। वो क्या है गौरा? राजू, आग। मानो तो हमारा ही घर जल रहा है। चलो जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ए गोपाल, ठहरो, देखो राजू के कमरे में जाओ, जल्दी से, जल्दी करो बाबा। इंदर, ये क्या हुआ? तुम कहाँ थे? मैं तो रीता के घर गया हुआ था, वहां से लौट कर देखा तो सारे मकान को आग लगी है। राजू, बोलो मिले, ये कर तू वो खिलौना गौरा। राजू, राजू, राजू वापस आ जाओ। राजू, इंद्र भैया, राजू को रोकिए ना। वो वापस नहीं आएगा, वो तुम्हारा दिया हुआ खिलौना लेने गया है। शट अप, क्या करते हो? बकता हूँ, अरे मैं तो लालच भेज रहा हूँ अपने आप पर। जरा सी आग लगे और घबरा गए? तुम इसे जरा सी आग कहती हो? जालिम अपनी सारी जिंदगी का कबाड़ा हो गया है। तो तुम्हारा ही कबाड़ा थोड़े हुआ है, हमारा भी कबाड़ा हो गया है। देखो तो पसीना निकल गया है झाड़ू मार मार के, हम तो तंग आ गए हैं। इंदर तंग आ गए? बुरी बात है, तंग आ गया तो तलाक ले लो। क्या कहा? तलाक ले लो, फिर दो तो। झाड़ू नहीं, दार्जिलिंग। वो दार्जिलिंग, मेरा मकसद कहने का ये है कि जब तक अपने पर कड़की है यानी कि भूख हड़ताल है, तुम तलाक ले लो और जैसे ही अपने पास मार पानी आ गया हम तुमसे शादी कर लेंगे। और मैं तुमसे दोबारा शादी ना करूँ तो मैं तुम्हारी गर्दन। क्यों भाई, गर्दन मरोड़ने की अलामत आ गई? जी हाँ, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम हंस रहे हो। अरे यार, कभी मौका महल तो देख लिया करो। मौका महल शानदार है, ये लो चेक 10,000 रुपए का। क्यों प्यारे, ये कहां से लाए? बीमा कंपनी से। अकल की कमाई मेरे भाई, अकल की कमाई। अच्छा मैं चला, मुझे जाना है। सुना जानी, इसे जाना है, आज एक जबरदस्त फैसला करना है। सुना जानी, शादी का दूसरा नाम जबरदस्त फैसला। ओ मेरी माँ, सत्यानाश।
आज मैं नया फर्नीचर लाऊंगी। फर्नीचर नया? राजू से कहकर तेरी खान धुला दूंगी। राजू अब मेरी खान उठेंगे। थोड़ा और जोर से ताकि तुम्हारे इन खूबसूरत होठों में मेरा खून तो लग जाए। आज उससे बच के कहां जाओगे तुम? जीवन नसीब राजू एक खूनी की हैसियत से कानून और अदालत के सामने पेश हुआ। जुर्म साबित करने के लिए वकीलों की बहस बढ़ती गई। क्या राजू जीवन की मौत का जिम्मेदार है या बिल्कुल बेकसूर है? सबकी आंखें जज के फैसले की मुंतजर थीं। मुल्जम राजू वल कृष्ण चंद साकन कुफरी को जेरे दफा 304 अलिफ ताजीरात हिंद मुजरिम करार दिया जाता है और 3 वर्ष कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है। करूं राजू, दिल नहीं मानता, धुआं से घुटने लगता है सीने में, आंखों के सामने एक अंधेरा छा जाता है और फिर ऐसा महसूस होता है कि इस अंधेरे में मेरा राजू मुझसे बहुत दूर होता जा रहा है। घबराओ नहीं कारा, हालात जब अपना बार कर रहे हो तो उन्हें पलटने का एक ही तरीका रह जाता है, सह जाना। लेकिन ये तूफान? तूफान के बाद शांति, अंधेरा और फिर उजाला। गौरा, ये 3 बरस की कायद एक आग का धारा है, इसमें से गुजर जाने के बाद हमारा प्रेम अमर हो जाएगा और फिर वही आखिरी मंजिल होगी। राजू, मैं इस आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 बरस तो क्या 3 जन्म तक इंतजार करूंगी। राजू, गौरा, तो पंडित जी फिर क्या सोचा आपने? आप तो जानते हैं, जीवन के कत्ल ने बेचारी गौरा को घर घर की कहानी बना दिया है। लेकिन पंडित जी क्या करूं, राजू जब जेल से लौट कर आएगा तो लाख मनाने पर भी दुनिया उसे मुजरिम समझेगी। कहते तो आप ठीक है, लेकिन पंडित जी अब मेरी इज्जत आपके हाथ है। राम 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 राम, क्या कहते हैं आप? अच्छा एक मेरी बात मानिए। कहिए। अगर घर छोटा हो तो? मैंने शादी का मामला आपको सौंप दिया है पंडित जी, आप स्याह करें या सफेद। जुग जुग जियो, मैं तो आपको भले ही की बात करूंगा, इस घर का नमक खाया है, खानदान के नाम को बट्टा लगने नहीं दूंगा। सोनामल जी को तो आप जानते ही होंगे, बड़े ही गुणवान व्यक्ति है और उनके सुपुत्र श्री मनमोहन जी, जुग जुग जियो, सुंदर और सुशील। बस जी, आज ही आप मेरे साथ चलकर बात पक्की कर दीजिए, चट मंगनी पट ब्याह करा दूंगा। मुझे मंजूर है पंडित। जुग जुग जियो, राहु के घर केतु और चंद्रमा के स्थान मंगल और बृहस्पति के निकट शुक्र, ग्रहों का इतना अच्छा संजोग। अरे वाह 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 वाह, जुग जुग जियो, श्री मनमोहन जी और कुमारी गौरा देवी की इतनी अच्छी पत्री मिली है कि दोनों जन्म भर सुख भोगेंगे। जी, वर के लिए वधु लक्ष्मी का रूप है और वधु के लिए वर विष्णु का होता है। जी बहुत अच्छे। द्वारकानाथ जी सोनामल जी को आंख बंद कर शगन दे दीजिए और शादी की बात आज ही पक्की कर लीजिए। जी पंडित जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि सोनामल जी की सेवा का मुझे कुछ मौका मिला, वरना मैं किस काबिल हूँ? सोनामल जी,
ये आपकी नजर है, इसे स्वीकार कीजिए। जो जो जियो। द्वारकानाथ जी, रिश्ता पक्का हो। सच पूछो तो हमें दान दहेज की चिंता नहीं, भगवान का दिया घर में सब कुछ मौजूद है। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और फिर बहू भी तो अपना भाग्य लेकर आती है। जैसा आपके बारे में सुना वैसा ही पाया, कितने ऊंचे ख्यालात हैं आपके। बस अब आपसे यही आखिरी प्रार्थना है, और फिर आपसे कुछ छिपा भी नहीं है। बेटी गौरव को अपना ही समझिएगा, उसके दुख सुख का ख्याल रखिएगा। आप फिक्र न कीजिए द्वारकानाथ जी, इस घर में वो मेरी बेटी बन के रहेगी, ये सब कुछ उसी का तो है। और हमारा क्या है, आज यहाँ तो कल दूसरी दुनिया। क्यों पंडित जी ठीक है ना? जुग जुग जियो। बैठिए। धन्यवाद द्वारकानाथ जी, आप चिंता न करें। तो बस पंडित जी आप विवाह का मुहूर्त निकालिए। जुग जुग जियो। विवाह का मुहूर्त? अजी दोनों के ग्रहों का संयोग बताता कि विलंब की कोई आवश्यकता नहीं। शीघ्र अति शीघ्र शुभ लग्न शुभ घड़ी। बस दो चार दिन में मनमोहन जी आते हैं इसी पखवाड़े में। चढ़ते फागुन की दूज को आज से 12 दिन के बाद श्री मनमोहन जी के साथ कुमारी गौरा देवी का विवाह अवश्य हो जाना चाहिए। तो चढ़ते फागुन की दूज को। अरे जुग जुग जियो, बहुत अच्छा। पिया से कोई जाति के दे जीवन का सहारा तेरी याद है, जीवन का सहारा तेरी याद है। मेरे पिया से कोई जाति के दे जीवन का सहारा तेरी याद है, जीवन का सहारा तेरी याद है। तो हूँ बेटी के राजू का तुम्हारा रास्ता एक था। था नहीं बाबा, है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी, मेरे दिल में भी ये तड़प पैदा होती है, काश तुम्हारा और राजू का रास्ता एक रहता।
ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं नहीं बेटी, ये जमाने की आवाज है जो तुम मेरे मुंह से सुन रही हो। जमाना कौन होता है हमारी खुशी और गमी का फैसले वाला? वो एक बहुत बड़ा जाबिर है बेटी, जो राजू को तुम्हारी और मेरी नजर से नहीं अपनी नजर से देखेगा और तेरी चिल्ला उठेगा कि ये एक मुजरिम और कैदी का चेहरा है और ये मुझे मंजूर नहीं बेटी। लेकिन बाबा, मैं राजू से वादा कर चुकी हूँ कि मैं उसका इंतजार करूंगी। तुम्हारा ये वादा पूरा ना हो सकेगा बेटी। ऐसा ना कहिए बाबा, मैं अपनी नीयत और भगवान के सामने झूठी पड़ जाऊंगी। और अगर मैं तुम्हारी बात मानू तो दुनिया, समाज और बिरादरी के सामने झूठा पड़ जाऊंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है बेटी। मैं राय सोहनलाल के लड़के मनमोहन से तुम्हारी शादी की बात पक्की करती थी। नहीं नहीं बाबा, मेरा भी कोई हक है अपनी जिंदगी पर। आप मुझसे नाराज ना होइए बाबा, मुझसे नफरत न कीजिए। मैं आपकी बेटी और मैंने एक सच्चे और अच्छे इंसान से वादा किया है कि मैं उसका इंतजार करूंगी। मुझे उसका इंतजार करना है, मैं राजू का इंतजार करूंगी बाबा। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया राजू को एक मुजरिम समझती है। आज तुम मेरे बुढ़ापे का भी लिहाज नहीं, आज तुम ये भी भूल गए कि इन सफेद बालों और पथराई हुई आंखों को जमाने के कितने उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं। यही तो अफसोस है राय साहब, कि जब आप जैसे सज्जन अपना वचन हार जाएंगे तो आने वाले जमाने में झूठ और वादा फरामोशी के सिवा कुछ भी न रहेगा। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो इंदर। मजबूरी का सहारा लेकर आप ये चाहते हैं कि मेरा राजू जब जेल से छूट कर आए तो उसे ये महसूस हो कि सारी दुनिया उसके लिए एक बहुत बड़ा जेलखाना बन गई है, जहन्नुम हो गई है, जहां उदासी, आंसू और मायूसी के सिवा उसके लिए कुछ भी नहीं। तो तुम ये चाहते हो कि राजू की खुशी के लिए मैं अपने रिश्तेदारों और बिरादरी को ठुकरा दूं? लेकिन आपका ये ख्याल दो दिलों के अरमानों का खून करते कर राय साहब, ये राजू ही की नहीं बल्कि हमेशा के लिए गौरव के होंठों की मुस्कुराहट और आंखों की चमक को भी छीन लेगा। और तब आप पछताएंगे क्या आपने लोकलाज की खातिर अपने ही हाथों अपनी बेटी के सुखचैन को लूट लिया। सुंदर, ये ना भूलो कि मेरे सीने में एक बाप का दिल है। एक दिन यही दिल गौरव और राजू को साथ देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था, लेकिन आज आज गौरव की किस्मत का फैसला समाज की मर्जी से होगा। और समाज की मर्जी यह है कि किसी के सजे हुए सपनों को छिन्न भिन्न कर दे, अपना झूठा मान अभिमान मनवाने के लिए, अपनी शक्ति और सत्ता का ढोंग रचाने के लिए मेरे राजू पर इतने जुल्म तोड़े कि वो बेचारा जेल की दीवारों से सर टकराता हुआ हमेशा के लिए अपनी हार मान ले। इंदर, गौरव मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि जिसे कानून मुजरिम करार दे चुका है, जो लोगों की नजरों में खूनी है। तो क्या राजू आपकी नजरों में? सवाल मेरी नजरों का नहीं इंदर, सवाल उनकी नजरों का है जो राजू को देखते ही नफरत से कहते हैं कि उसने जीवन का खून किया है, वो खूनी है, कातिल है, गांव वालों के सीने पर एक बदनुमा दाग है। इसलिए कि राजू ने झूठ के सामने सर नहीं झुकाया, गौरव की किस्मत बचाने के लिए हैवानियत का मुकाबला किया। राय साहब, अगर इस पर भी आप मेरे राजू को कसूरवार मानते हैं, मुजरिम समझते हैं, तो उसने ये सब कुछ अपने लिए नहीं बल्कि गौरव की इज्जत को बचाने के लिए किया था। तो तुम ये चाहते हो कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं बाप के फर्ज को भूल जाऊं? राय द्वारकानाथ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एहसान जताने नहीं बल्कि आपको आपका वचन याद दिलाने आया। तो जाओ, ढिंढोरा पिटवा दो कि एक मजबूर और बेबस बाप ने अपना वचन तोड़ दिया, वो झूठा पड़ गया। गौरव की शादी किसी दूसरी जगह करने के लिए वो फरेबी और धोखेबाज हो गया, इसलिए कि दुनिया राजू को मुजरिम समझती है और समझती रहेगी। दुनिया मुझे मुजरिम समझती मैंने उनकी राय मांगी ही कब थी, मैंने चाहा ही कब था कि वो मुझे अच्छा समझे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि गौरव मेरी है और वो मुझे अच्छा समझती है। मेरी हर सोच इस नुक्ते पर आकर खत्म हो जाती है। इंदर, राजू तुम अपनी जगह सच्चे हो, लेकिन इसका क्या इलाज कि गौरव की किस्मत का फैसला तुम्हारी सच्चाई से नहीं बल्कि उसके पिता की मर्जी से होगा। और उनकी मर्जी यह है कि 10 दिन के अंदर अंदर गौरव की शादी हो जाए। इंदर, नहीं, ये नहीं हो सकता। इंदर, उसने मंदिर में कसम खाई थी, उसने वादा किया था। गौरव सिर्फ मेरी है इंदर, वो किसी और की नहीं होगी। लेकिन आज वो बेबस है राजू, वो लाचार है, वो अपने पिता की मान मर्यादा के सामने मजबूर हो गई है राजू। और मुझे बेरहम जमाने ने सब कुछ छीन कर जेल में झोंक दिया। मैं गौरव के लिए वो खिलौना, इंदर, हाँ जानते हो ना वो खिलौना,
वो घर में रखा। रीता भाभी से कहना कि वो गौरव को पहुंचा दे। वो हमारी मोहब्बत की एक निशानी है, एक ज्वाला है, एक ज्योति है इंदर। इस अमर ज्योति को बुझना नहीं चाहिए। अगर ये ज्योति बुझ गई तो इसे अमर कौन कहेगा इंदर? इसे अमर कौन कहेगा? मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, चलो। अच्छा इंदर, मैं जाता हूं। भूलना नहीं, वो खिलौना जरूर भिजवा देना। दूल्हा मंडप में आ गया। दूल्हा मंडप में आ गया, चलो चलो दूल्हा को देखिए। इधर देखो, सुनो तो, तुम्हारे राजू ने ये खिलौना भेजा है, देखो। राजू? हाँ गौरव, राजू ने कहा है यह हमारी मोहब्बत की अमर ज्वाला है, इसे बुझने मत देना। मोहब्बत की अमर ज्वाला, नहीं बुझ सकते, मैं इसे कभी नहीं बुझने दूंगी। नहीं नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। राजू, राजू मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी हूं। मैंने तुम्हें वचन दिया, मैंने वादा किया। बस कर दो ये शहनाई की आवाज, ये मेरी मौत का बुलावा है। मैं इस आवाज को मिटा दूंगी, मैं इस आवाज को मना कर दूंगी। राजू, मैं सच्ची मोहब्बत को कभी नहीं मरने दूंगी। बाबा जल्दी ऊपर आइए, न जाने गौरव को क्या हो गया है। क्या बात है गौरव, तुम्हें क्या हो गया है? नीचे जाकर देखो लोगों को क्या हो गया है। राजू, लोग नौबत बजाकर मोहब्बत का नीलाम करना चाहते हैं, मंडप में मोहब्बत की चिता जलाना चाहते हैं, मुझे हमेशा के लिए तुमसे छीन लेना चाहते हैं। राजू, ये सब मेरी जान के बैरी बन गए। मुझे बचाओ राजू, मुझे बचाओ। होश में आ। लेकिन अब मैं दुनिया की हर ताकत का मुकाबला करूंगी। राजू, राजू मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। राजू मेरा है, राजू मेरा है। नीचे लोग बैठे। तुमसे भी कह दीजिए, गौरव राजू की सिवा किसी की नहीं हो सकती, गौरव बराई नहीं हो सकती। ये तुम्हें क्या हो गया? मेरी इज्जत का ख्याल करो बेटी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप मेरी कोई नहीं। आप मुझे राजू से जुदा करना चाहते हैं, आप मुझे मार डालना चाहते हैं। होश में आओ गौरव, ये कैसी बातें कर रही हो? राजू, राजू मुझे बचाओ, बाबा मुझे मारना चाहते हैं, बाबा मुझे मार। कि कोई मोहब्बत करता था? अरे भाई बड़ा अच्छा किया। क्यों मालदार साहब, क्या बुरा बोला? अरे क्यों तंग करके बेचारे को, सुबह उसकी पेशी है, भगवान जाने क्या होगा। थोड़ा और चुपचाप चल। अच्छा होने की वजह से कैद की मुद्दत खत्म होने से 3 महीने पहले रिहा किया जाता है। जमादार, इनको कपड़े दे दो। उदास क्यों हो गए? ये कैद जिंदगी भर के लिए नहीं हो सकती। अजीब आदमी हो, लोग तो यहां से जाते हुए खुश हुआ करते हैं। मैं इतना खुश नसीब नहीं। रीता, राजू की रिहाई में कुल 3 महीने बाकी रह गए। आज तक तो जूं तू करके मैंने जुदाई की घड़ियां गुजार दी, लेकिन ये 3 महीने रीता, ये 3 महीने मेरे लिए जहन्नुम बन गए हैं। राजू को यह बता देता तो अच्छा था कि गौरव मर गई है, वो तो यही सोचता कि गौरव जीता है। हाँ रीता, मैंने उसे कई बार बताना चाहा, लेकिन बता ना सका, जबान कांप उठी। 3 महीने के बाद जब वो आएगा तो बहुत मुश्किल होगा इंदर, कैसा बता देगा कि
राजू दुनिया ने मुझे बुरा जानकर कैद में डलवा दिया और कैद वालों ने मुझे अच्छा समझकर मैं आज खत्म होने से पहले ही छोड़ दिया। बेटा राजू भैया नमस्ते भाभी। तुम अच्छे तो हो? हाँ भाभी। और आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अरे ओ हिंदुस्तानी के दुश्मन, अच्छा हूँ नहीं अच्छी हूँ। देखा अपने दोस्त को, तुम भी ऐसी बातें करता था अपने गौरा से। रीटा अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। राजू राजू आओ, तुमने नए मकान को तो देखा नहीं, जरा देखो तो सब कुछ बदल गया। हाँ इंदर दुनिया ही बदल गई। छोड़ो राजू आओ मुस्कुराते हंसते, ये समझ करके सच्चाई हार गई। सच्चाई नहीं हारी इंदर, झूठ समाज की मर्यादा का सहारा लेकर जीत गए। खैर समाज से शिकायत थी क्या, शिकायत तो उससे है जिसने जिंदगी और मौत का सौदा किया था, जिसने ये कहा था कि 3 बरस तो क्या मैं तुम्हारे लिए 3 जन्म तक इंतजार करूंगी। राजू उसने तुम्हारा इंतजार किया और जब उकता गई इंतजार से तो शादी कर ली। राजू जानते हो इंदर आज जब मैं जेल से छूटा तो नफरत कर रहा था गौरव से, ये जानते हुए भी नफरत कर रहा था कि अब उसी की याद के सहारे जिंदगी गुजार ली। राजू अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम इससे ज्यादा मुझे समझा ही क्या सकते हो कि आओ राजू मुस्कुरा दे आओ हंस दे, ये सोचकर हंस दे कि और तो और तुम्हारी गौरा भी डर गई दुनिया से। गौरा डर नहीं गई दुनिया से राजू, गौरा चली गई इस दुनिया से। हाँ राजू गौरा चली गई, शादी से चंद ही मिनट पहले वही खिलौना हाथ में थामे हुए ये चीखती चिल्लाती हुई कि हमारे प्रेम की अमर ज्वाला कभी नहीं मरेगी, झरोके से लुढ़क कर वो नीचे नदी में जा गिरी और फिर सारी रात तलाश होती रही कि बेचारी की लाश ही मिल जाए, लेकिन नदी में जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी। कैसे हो सकता ये, कैसे हो सकता ये, कैसे हो सकता है इंदर, इस मौत को मेरा दिल कबूल नहीं करता। मगर राजू दुनिया तो इस मौत को कबूल कर चुकी है, दुनिया जो चाहे सोचे इंदर, मगर मैं इस मौत से इनकार करता हूं क्योंकि यह हमारी सच्ची मोहब्बत की मौत होगी। नहीं इंदर सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती। राजू मुझे जाने दो, कहां जाओगे इस वक्त? उस समाधि पर जहां 2 आंधियों ने एक दूसरे में समा कर ये सोचा था कि देने वाले ने हमें शांति और सुकून बख्श दिया है। राजू भैया चले गए, उन्हें वापस ले आओ इंदर, जाओ जाओ इंदर। नहीं रीटा इस वक्त तो शायद उसे मौत का फरिश्ता भी वापस ना ला सकेगा। करार ले जा मुझे दे करार कर जा, दम भर तो प्यार कर जा, मेरा करार ले जा मुझे दे करार कर जा, दम भर तो प्यार कर जा। दिन गुजर रहे हैं तेरे
तेरी याद के सहारे मेरे दिन गुजर रहे हैं, तेरी याद के सहारे मेरा दिल तड़प रहा है, तेरी आरजू के मारे मेरा दिल तड़प रहा है, तेरी आरजू के मारे बेचैन मेरे दिल को बस एक बार कर जा, दम भर दो प्यार कर जा, मेरा करार ले जा मुझे बेकरार कर जा, दम भर दो प्यार कर जा। एक झलक दिखा के पर्दों में छुपना ले, मुझे एक झलक दिखा के पर्दों में छुपने वाले, कब तक लगे रहेंगे खामोशियों के ताले, मेरा दिल तड़प रहा है तेरी आरजू के मारे, बेचैन मेरे दिल को बस एक बार कर जा, दम भर दो प्यार कर जा, मेरा करार ले जा मुझे बेकरार कर जा, दम भर दो प्यार कर जा। बाबा तुम्हारी ये हालत बाबा, रहा ही क्या है जीने के लिए, सब कुछ तो बर्बाद हो चुका राजू। ऐसा मत बोलो, मैं दुनिया से ना जा सका लेकिन तुम्हारी नजरों से तुमसे दूर जाना चाहो बाबा। मैं अपराधी हूं, मैंने अपना वचन तोड़ दिया था, मुझे कोई हक नहीं, मुझे कोई हक नहीं राजू। बाबा क्या हो गया तुम्हें बाबा? एक मगरूर बाप ने अपनी बेटी की जिंदगी को परवान चढ़ने से पहले मिटा दिया, मैंने मिटा दिया। नहीं बाबा, मैंने उसे मिटा दिया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं कहते, इस तरह ही सड़क पर अब चलो घर। नहीं राजू नहीं, क्या करूंगा उस घर में जाकर जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, मुझे उस अंधेरे से उस घर से डर लगता है राजू, उसकी दीवारें चीख कर कहने लगती हैं कि मैं बेटी का कातिल हूं, वो आज भी चीख रही है और मेरी आखिरी सांस तक चीखती रहेगी, मुझे उस घर से डर लगता है राजू। नहीं बाबा, तुम्हारा घर मेरा घर, घर का वो झरोखा जहां बचपन में मेरी बेटी नदी की लहरों पर कागज की नाव का खेल खेला करती थी और जवानी में खुद कागज की तरह लुढ़क कर डूब गई, बूढ़े बाप की गोद से लूट कर लहरों की गोद में समा गई। बाबा बाबा, मेरा दिल कहता है, मेरा विश्वास है कि गौरा जिंदा है, वो मरी नहीं। बाबा गौरा जिंदा है? हाँ बाबा। राजू एक बार फिर कह दो कि गौरा जिंदा है। हाँ बाबा, गौरा जिंदा है, गौरा जिंदा है बाबा। इंदर, 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 इंदर। इंदर, क्या बात है राजू? इंदर, इंदर मैंने वो खिलौना देखा। कौन सा खिलौना? वही खिलौना जो मैंने तुम्हारे हाथ गौरव को भिजवाया था। पागल हो गए हो,
वो खिलौना तो गौरव के हाथ में था जब वो नदी में गिरी, तुमने ख्वाब देखा होगा। हाँ इंदर, मैंने ख्वाब में वो खिलौना समाधि के पास पड़ा हुआ देखा। आओ तुम्हें दिखाओ। राजू इस वक्त वहां जाना जहालत है। तो फिर मैं अकेला जाता हूँ। राजू ठहरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, कपड़े बदलाता हूँ। ये सब बकवास है राजू, यहां सिवाय चमगादड़ों और उल्लुओं के कुछ भी नहीं। राजू राजू राजू, तुम पागल हो गए हो, सपनों की बातें सच्ची नहीं हुआ करती। वापस चलो। राजू मैं कहता हूं तुम पागल हो गए हो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ राजू। राजू इंदर, इंदर क्या है? कहो, अब भी ये सब बकवास है? हमको दिखाता है और तारे दूसरे के लिए गिनता है। इंदर हम तुमसे फैसला करना मांगता। फैसला? फैसला हो गया। तो क्या अब हम तुम्हारे बीवी नहीं? रीटा मुझे गलत मत समझो, अगर तुम सही मानों में मेरी बीवी हो तो मेरी परेशानियों को समझने की कोशिश करो। जो कुछ मैंने अभी अभी देखा यह तो वो ख्वाब था, यह जो आप देख रहे हो वो ख्वाब है। क्या बोला? रीटा तुम ये तो मानती हो कि गौरा मर चुकी है? मानती है इंदर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और ये भी जानती हो कि जब गौरा शादी वाली रात को खिड़की से गिरी थी तो राजू का बनाया हुआ खिलौना उसके हाथ में था, मगर वही खिलौना अभी थोड़ी देर पहले मैंने समाधि पर देखा है। समाधि पर? इंदर तुमने ड्रीम देखा है? जब राजू ने मुझसे ये कहा था तो मैंने भी उससे यही कहा था कि राजू तुमने ख्वाब देखा है, मगर जब समाधि पर ले जाकर उसने मुझे वही खिलौना दिखाया तो मुझे यकीन हो गया। रीटा राजू कहता है कि गौरा जिंदा है।
कहाँ थी गौरव? ये पहाड़ियाँ गवाह, न जाने कितने ही दिन गुजर गए तुम्हारा इंतजार करते हुए। लेकिन मैं तो एक अरसे से तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। तो क्या तुमने मुझे यहाँ कभी नहीं देखा? एक साये को कई बार अपने आसपास भटकते हुए देखा, लेकिन मैं तो समझता रहा हूँ मेरा अपना ही साया है। गौरव, आज मैं इतनी बेचैन हो गई कि हालात की दीवी आवाज को न रोक सके। मुझे छोड़ के तो न जाओगी गौरव? नहीं राजू, नहीं। क्या करूं गौरव, जब कोई आंखों के इतने करीब आ चुका हो कि उसके सिवा फिर और कुछ नजर ना आए, उसका पल भर के लिए भी ओझल हो जाना एक अजीब से अकेलेपन का एहसास करा देता है। राजू, मैं इस अकेलेपन से उकता चुका हूं गौरव, इसलिए मन करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में इस तरह जकड़ लूं कि अगर तुम जाना भी चाहो तो ना जा सको। मैं और कहां जाऊंगी राजू? क्या इतनी बड़ी दुनिया में गौरव? ऐसा ना कहो। क्या तुमने समाधि पर उस सूखे हुए चनार के पेड़ पर वो घोंसला नहीं देखा जिसके पास एक उदास सा परिंदा बैठा रहा करता था? राजू, उसके तो पंख भी थे, अगर वो चाहता तो गगन तक उड़कर तारों के महल में रहने लगता, लेकिन नहीं, वो हमेशा पंख फड़फड़ा कर रह जाता, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी दुनिया उन छोटे छोटे तिनकों में उलझ कर इतनी छोटी हो गई थी कि वो बेचारा उस घोंसले को, अपने आशियाने को छोड़कर अब और कहां जाए। लेकिन गौरव, न जाने चुप क्यों हो गए? मैं नहीं मानता गौरव, लेकिन दुनिया ये क्यों कहती है कि गौरव मर चुकी है? दुनिया को कहने दो राजू, मैं दुनिया के लिए नहीं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ और तुम्हारी आखिरी सांस तक जिंदा रहूंगी। आओ मैं एक बार दुनिया से मनवा लूं कि मेरी गौरव राजू, एक बार पापा में अपनी आंखों से देख ले। नहीं, बाबा कहते हैं गौरव के बगैर घर सोना नजर आता। नहीं राजू, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे उस घर से, उस समाज से, उन लोगों से डर लगता है। उस रात को मेरी मजबूरी का सहारा लेकर उन लोगों ने, बाबा ने, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। गौरव, तुम नहीं जाओगी तो तुम रहते कहां? इन पहाड़ियों के पीछे, कोटली के उस पार। राजू, कल तुम कमली वाले झरने पर आओगे ना? आऊंगा। जियो जियो मेरे ससुर, मेरे फादर इन लॉ, मेरे दामाद। दामाद तेरे की? अबे दामाद तो मैं तेरा हूं। रीटा डार्लिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, रीटा डार्लिंग, ओ बटलर की बेटी। क्या बकता है? बकता है, बकता ये है कि ये देखती हो गोलगुल? क्या है गोलगुल? गोलगुल सेब जो तेरे बाप ने अपने साहब के बगीचे से चुरा के नहीं भेजे। आज तो मान गए है ना? मैं ना कहते थे मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, मगर आप कहाँ माना? अरे दार्जिलिंग, आज तो मैं तेरे सिर्फ डैडी को नहीं, तेरी मम्मी को, तेरी सारी फैमिली को मान गया हूँ। वाह वाह, क्या चीज पैदा की है, ये गोल गोल चांद सा चेहरा, ये आंखें। अच्छा दार्जिलिंग, छोड़ो इन आंखों आंखों को, अब तुम सेब खाओ, अपने पेट में तो बस हलचल हो रही है। इंद्रदाली, पहले आप खाओ। नहीं देवी, पहले तुम खाओ। नहीं जी, पहले आप। नहीं, पहले आप। इंदर, मैं आपका पति, तुम मेरे पत्नी, इसलिए तुम पहला खाओ। अरे तू मेरा पति नहीं, मैं तेरा पति, तू मेरी पत्नी, इसलिए तू पहले खा। जो कुछ भी हो, मैं तुम्हारी पत्नी, तुम मेरे पति, तुम पहले खाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे फादर इन लॉ, थैंक यू। अरे ये सेब क्या भेजे, अपनी तो दार्जिलिंग का सब कुछ बदल दिया, हिंदुस्तानी बना दिया। अच्छा दार्जिलिंग, तेरे जन्म की ऐसी तैसी कमबख्त ने खट्टे और कच्चे सेब भेजे। इंदर, आखिर को रहा ना कोई बटलर का बटलर? ये भी नहीं जानता कि अपने कानूनी बेटे यानी कि अपने दामाद सनी लॉ से कैसे मजाक किया जाता है। रीटा, ले जाके फेंक दो बाहर से। राजू, राजू, राजू।
की रात है गौरव। राजू, अगर ये चांद बादलों की ओट में छुप जाए तो कैसे खिलेंगे ये कुमुदिनी के फूल? चांद आकाश पर और कुमुदिनी झील में। फिर भी जानती हो कितना प्यार करता है चांद कुमुदिनी से? आसमान की पलंदियों से झील में उतर आता है। राजू, गौरव, जब तुमने घटते हुए चांद के साथ साथ कुमुदिनी की थकी हुई पलकों को बंद होते नहीं देखा? काश कुमुदिनी के लिए हर रात पूनम की रात। नहीं गौरव, काश आज की रात का दिन कभी ना, ये रात सदियों में बदल जाए। राजू, क्या हुआ कारण? रात की नींद टूट गई राजू। सर, उषा का संदेश आ गया, सुबह होने वाली है। तब तुम? राजू, जब पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक जाएंगी तब मैं तुमसे मिलने समाधि पर जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। चली गई बाबा। राजू, तुमने कहा था कि गौरव जिंदा है। वो कहां गया मैं नहीं जानता, मगर उसने कहा जब पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढक जाएंगी तो वो मुझसे समाधि पर मिलने आएगी। लेकिन राजू, वो किस तरफ गई बेटे? गौरव, नहीं राजू नहीं, ये सब बकवास है। मैं एक बार कह चुका कि सह जाओ बीती बातों को, मत बनकर हालात और अपनी बदनसीबी का मुकाबला करो। बदनसीबी? ले मैंने कहा ही कब है कि मैं बदनसीब हूं? मैंने शिकायत ही कब की? मैं तो ये कहता हूं कि देने वाले ने एक नूर दे दिया है मेरी आंखों को, एक ऐसा दर्द दिया है मेरे दिल को जिसके आगे दुनिया की हर खुशी हर आराम कुछ भी नहीं। अच्छा इंदर, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरे साथ चलो, यही समझना कि वहां चलकर तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। और अगर ये झूठ निकला तो? ये झूठ नहीं होगा इंदर। मैं मान लेता हूं कि झूठ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी तरह ये झूठ साबित हुआ तो तुम जो कहोगे मैं करूंगा। अपनी गौरा की कसम खाओ कि जो मैं कहूंगा तुम करोगे। इंदर, अगर एक सच्चे और दलेर मर्द हो तो खाओ अपनी गौरा की कसम। मैं अपनी गौरा की कसम खाता हूं कि अगर आज वो समाधि पर ना आई तो तुम जो कहोगे मैं करूंगा। मंजूर, मंजूर। इंदर, बस अब थोड़ी देर में गौरा आ जाएगी। राजू, तुम एक हारी हुई बाजी को जीतने की फजूल कोशिश कर रहे हो। नहीं इंदर, गौरा जरूर आएगी। वो कैसे आ सकती है? उसने मुझे वादा किया था इंदर। वादा किया था? तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता इंदर? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है इंदर, उससे बातें की है, उसकी धड़कनों को महसूस किया है। तो फिर बताओ कि गौरा अब तक क्यों नहीं आई? ये झूठ है, बकवास है। नहीं इंदर, अब भी वक्त है, वो जरूर आएगी। आएगी? हाँ इंदर, वो जरूर आएगी। सुबह हो गई। राजू, गौरा ना कभी आई थी ना कभी आएगी, ये महज तुम्हारा एक कमजोर ख्याल है, एक बेबुनियाद तसव्वुर है, एक छलावा है जो तुमसे आंख में चोली खेल रहा है। तो इसका मतलब है ये सब एक फरेब है, धोखा? तो और क्या है? अगर गौरा जिंदा है तो आई क्यों नहीं?
गौरा ने कहा था कोटली के उस पार मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं मानूंगा। याद है तुमने गौरा की कसम खाई है। हाँ इंद्र, तुम जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। हाँ, मैं जो कहूंगा मान जाओगे? दियो, जो मेरे राजी जियो। बस चलो अब फटाफट एक शादी कर लो और ये क्या है? बैंड बाजा। अरे बाप रे, जरा बंद करो, मेरे कान फट गई। क्या हो गया आज तुमको? दार्जिलिंग, आज मैंने मैदान मार लिया। बस तू जल्दी से ये कर कि किसी फूल वाले को जल्दी से बुलाकर इस मकान को दुल्हन की तरह सजा दे। क्या बकता है? बकता है हो सकता है बकरी ने क्या क्या मैं, अरे भगवान तू समझ ले तो बात बन जाए। हम कुछ नहीं समझता। समझ जाएगी, सब कुछ समझ जाएगी। मेरी चॉकलेट, मेरी प्लम पुडिंग, मेरी कोको कोला, मेरी फुजड़ी, सब कुछ समझ जाएगी। जब शहनाई बजेगी, पंडित मंत्र पढ़ेगा, छूटेगी फुलझड़ी। तो क्या? शादी 16 आने शादी। ओ मम्मी, इंदर तुम शादी मनाएगा? हाँ। दूसरी छोकरी घर में आएगा? बिल्कुल। इंदर अब मार मार के तुम्हारा आमलेट बनाएगा और उस छोकरी का जल भी बनाएगा। रीता, रीता डार्लिंग, तुम तो बिल्कुल गुद्दू है। अरे हमारा शादी नहीं, राजू का शादी। क्या बोला? राजू का शादी। राजू भाई ये शादी करेगा? हाँ। ओ इंदर, ये बात तुम्हारे मुंह से सुन के जी जाता है कि तुम्हारा? ओह, मेरा मुंह नहीं, मेरी कोको कोला, मेरी दार्जिलिंग, मेरा मुंह मीठा करने के तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे। अभी तो देखो तुम कहीं से राजू के लिए एक अच्छी सी दुल्हन तलाश कर दो। और डार्लिंग हमारा मतलब है तलाश करो, ढूंढो। बस देखो चट मंगनी और पट ब्याह, फिर कुछ बैंड बाजा हो, कुछ गाजा बाजा हो, कुछ झंडियां लग जाए, एक हंगामा हो। ओ डार्लिंग, आज तो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया है। देखो मैंने राजू को मनवा दिया है कि जिंदगी चांद सी औरत के सिवा कुछ भी नहीं, और वो मान गया। Thank you.
कहे सुने उठकर चला गया जी। मेरा ख्याल है राजू कुछ तुमने कहा था राजू शादी के लिए राजी हो गया है, लेकिन वो मंगनी के रस्म अदा होने के पहले ही उठकर चला गया जी। सुनिए मैं आप सुनूंगा। राजू ने इस हरकत से मेरे ही बेइज्जती नहीं की, मेरी बच्ची पर भी ऐसा बदनामी का दाग लगाया है जो बेचारी उम्र भर ना भूल सके। मुझे बस रहने दो, मैं इसे अपनी बेटी नहीं दूंगा, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। राजू क्या बात है इंदर? क्या बात है? एक शरीफ बाप की पगड़ी को उछालकर, एक मासूम लड़की के अरमानों का खून करके, एक दोस्त की बात और अपने वादे को झुठलाकर पूछते हो, क्या बात है? मैंने ऐसा क्या किया इंदर? तुमने मुझे बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, मेरी बरसों से कमाई इज्जत को खाक में मिला दिया, तुमने मेरे यकीन को झंझोड़ दिया है राजू। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम महज तू हो, तुम्हारी दोस्ती एक दिखावा है। इंदर मेरी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया था, ये झूठ है। तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, तुम हमेशा अपने आप से मोहब्बत करते रहे हो। इंदर तुम्हें मोहब्बत है उस दर्द से, उस टीस से, उस चुभन से जो तुम हमेशा अपने दिल में महसूस करते हो। गौरा की मोहब्बत एक ढोंग है। अरे पगले, ये चुभन, ये टीस, ये दर्द भी तो उसी गौरा की देन है। गौरा की देन है, ये बकवास है। मुझे अफसोस है इंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मेरी वजह से तुम्हें बिरादरी में नीचा होना पड़ा। मगर इंदर मैं क्या करूं, मैं अपने विश्वास को झुटला नहीं सकता, उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं गौरा के सिवा किसी और का नहीं हो सकता, मैं किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंदर मुझे माफ कर दे। राजू मुझे माफ कर दो, कल मैं ना आ सकी, उस कोठली वाले दरिया में तूफान आ गया था। कोठली में बाढ़? हाँ राजू, पहले बड़ा जबरदस्त तूफान आया और फिर इतना पानी आ गया कि आसपास की तमाम छोटी छोटी पहाड़ियां डूब गई, इसीलिए मैं ना आ सकी। और इधर मेरी जिंदगी के धारे ही बदल, इंदर ने मुझसे कसम ले ली थी अगर गौरव ना आई तो मैं उसकी मर्जी के मुताबिक शादी कर लूंगा। राजू, राजू तुम ऐसा कभी ना करना, तुम मेरे हो और किसी के नहीं। उस रात दरिया के किनारे खड़ी मैं रोती रही, मेरी आंखों में अब तक जलन हो रही है। ये तो अब मालूम हुआ कि कोटली में बाढ़ आ गई थी। उस वक्त इंदर अगर मेरी शादी पक्की कर चुका होता तो मैं मर जाती, एक ही मोहब्बत में मेरी दूसरी मौत होती। ये शादी की बात कभी ना कहना राजू, कभी ना कहना। क्या सोच रहे हो? तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे सीने में एक तूफान सा पल खा रहा। कैसा तूफान? मैं जो तुम्हारे पास हूं। यही तो बात है कि तुम मेरे पास हो, तुम्हारा बहता हुआ सांस मेरे कानों पर पड़ रहा। मुझे यकीन क्यों नहीं होता कि तुम मेरे पास हो? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ये तुम्हें क्या हो गया है राजू, तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा मैं जहां ले जाऊं चलोगी। सुनो तो, बांसुरी की आवाज। मेले पर जाने वाले डेरा रात बिता रहे हैं, कुछ दिनों में मेला लगने वाला है ना। मेला? मुझे इस बार भी मेले में ले चलोगे ना? मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी और फिर हम दोनों दूर, बहुत दूर। कारा? हाँ राजू, मैं उस दिन ना आ सकी और तुम बेचैन हो गए, मगर वहां यही बेचैनी हर मजबूरी की दीवार को गिरा देगी। सच? लेकिन कारा आज जी चाहता है
कि आज बहुत सारी बातें करूं तुमसे, इतनी बातें कि ये रात सुनते सुनते थक कर चली जाए। मगर राजू तुम तो नहीं थक जाओगे? नहीं कारा, कभी नहीं। तो फिर यहीं बैठे, आग जला ले। लेकिन ये पत्ते जलेंगे कैसे? तो राजू घबराओ नहीं, शायद पास वाले पड़ाव में लोग हाथ ताप रहे, मैं उनसे आग लेकर आता हूं। थोड़ी सी आग ले लू? थोड़ी सी क्यों, बहुत सी ले लो। लो लो। शुक्रिया। दादा गौरव को मरे हुए तो कई बरस हो। कौन कहता है गौरव मर चुकी? जा बाबा अपना काम कर, तेरे लिए गौरव जिंदा होगी। अरे हमने तो अपनी आंखों के सामने नदी में गिरकर मरते हुए देखा है, लाश भी तो नहीं मिली उसकी। ये झूठ है, झूठ है। गौरा राजू, मैं तो यहीं थी राजू, सूखे तिनके जमा कर रही थी। हम अलाव नहीं जलाएंगे गौरा, चलो मेरे साथ, चलो चलो। गौरा यहां बैठो, मैं अभी इंद्र को बुलाकर लाता हूं। उन्हें क्यों बुलाते हो राजू? अब हम अकेले में बातें करें। नहीं, इंद्र तुम्हें एक बार देखी मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तुम बैठो, मैं भी आता हूं। ये सब क्या है राजू? जल्दी करो इंद्र, आज मैं तुम्हें गौरा से मिलाऊंगा। ये क्या पागलपन? पागलपन नहीं इंद्र, मैं सच कह रहा हूं। आज गौरा इतनी नजदीक आ गई कि तुम्हें समाधि पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? गौरव मेरे साथ आई है इंद्र, वो बाहर वाले बड़े कमरे में बैठी, चलो मेरे साथ। मैं भी उसे यहां छोड़कर गया था इंद्र। यहां छोड़कर गए थे तो क्या उसे जमीन निकल गई? नहीं गौरा, 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 इंदर, 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 वो खिलौना गौरव उठा के ले गई। ये सब बकवास है राजू, तुम एक चट्टान में पानी का चश्मा तलाश कर रहे हो। अगर गौरव तुम्हारे साथ चल के यहां तक आ सकती है तो उस रात समाधि पर मिलने क्यों नहीं आई? इसलिए कि कोटली के दरिया में बाढ़ आ गई थी इंदर, ये उसने आज ही मुझे बताया है। कोटली के दरिया में बाढ़? जिन्हों नहीं कहेगा इंदर, जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ गिरो तो दरिया में बाढ़ नहीं आती, समझे?
पागल मेरी प्रीत रे, पगलेपन की तीर वो जाने, बिछड़े जिसका मीत रे, मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे, मैं पागल। कहे ये दुनिया मैं दीवाना, दिन को देखूं सपने, दीवानी दुनिया क्या जाने, दीवानी दुनिया क्या जाने, ये सपने हैं अपने, ये सपने हैं अपने, घायल मन की हंसी उड़ाए, ये दुनिया की रीत रे, मैं पागल। छुपी हुई मेरी काया में राख किसी परवाने की, छुपी हुई मेरी काया में राख किसी परवाने की, ये मेरा दुखिया जीवन है, हूँ किसी दीवाने की, मन के टूटे तार बजा कर गाऊं अपने गीत रे, मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे, मैं पागल। राजू तुम भी कहने आए हो राजू पागल है, कह दो, तुम भी कह दो कि राजू पागल है। मुझे माफ कर दो राजू। क्यों भाई, इस बुढ़िया के बच्चे को क्या हुआ? बेचारा किसी दोस्त की शादी पर गया हुआ था, वापसी पर कोटली का दरिया पार करते हुए या कायक बाढ़ आ गई और वो डूबकर मर गया। अब बोलो इंदर, तुमने कहा था जब पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हूं तो दरिया में बाढ़ नहीं आती। राजू क्या भी तुम्हें यकीन नहीं होता कि गौरव जिंदा है? चलो अब घर चले। अरे वो तानसेन की बच्ची क्या है? है ये के देख, जैसे अंग्रेज अपना फ्राई पैन उठा के इंग्लैंड चला गया ना, तू भी ये फ्रॉक शॉक गटर में फेंक कर ये हिंदुस्तानी लिबास पहन। मैं नहीं पहनूंगी। अरे तू तो क्या, तेरा बाप भी पहनेगा। खबरदार मेरे बाप का नाम लिया तो फिर यही कपड़े पहनकर तुझे मेले में चलना पड़ेगा। नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। देख बेटा जितना कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या कहा जियो? क्या कहा? जान से मार दूंगा तुझे मैं। मुझे जान से मार देगा? नहीं माफ कर दे, माफ कर, नहीं नहीं मुझे माफ कर दे, माफ कर दे दार्जिलिंग, मर जाऊंगा। ओ मेरे दार्जिलिंग माफ कर दे, तुझे कसम है मान से मर जाऊंगा, कसम है तुझे अपने होने वाले बच्चे की। ओ मामा। क्या कहा? अरे तू मामा नहीं, मेरी माँ जो मर गई। राजू अपनी भाभी को समझाओ, कहती है नले में फ्रॉक पहन के जाऊंगी। क्यों भाभी क्यों तंग करते हो बाबा को? राजू तुम यही कहने आए हो ना कि गौरव से मिलकर आए हो, वो तुमसे अभी अभी मिली थी। नहीं बाबा, गौरव उस दिन घर पर आई थी और वो खिलौना लेकर न जाने कहाँ चली गई। खिलौना लेकर चली गई?
उसे कहा था जब तक वो खिलौना मेरे पास रहेगा वो मुझसे मिलने आया था। वो कभी नहीं आएगी, वो कभी नहीं आई थी। ये झूठ है, फरेब है, धोखा है राजू। मैं इस फरेब को फना कर दूंगा, इस धोखे को मिटा दूंगा, इस झूठ का गला दबा दूंगा राजू, इस झूठ का गला दबा दूंगा। पापा, ये तुमने क्या किया? मैं अभी कहता हूं गौरा जिंदा, गौरा जिंदा है बाबा, गौरा जिंदा। मैंने उसे देखा, मैंने उसे महसूस किया। गौरा राजू, गौरा राजू, गौरा राजू, लेट रहो भैया, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मुझे जाने दो इंदर, मुझे जाने दो, आज मेरी गौरा आ रही है मुझसे मिलने, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। राजू, क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहे हो? डॉक्टर ने कहा है अगर तुम जरा भी हिले जुले तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई है भैया। तुमने अगर आज मुझे रोक कर ये समझा इंदर कि मैं बच जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। आज मेरी और गौरा की मुलाकात का दिन है राजू। आज मेला है ना, आज गौरा जरूर आएगी राजू, आज गौरव जरूर मुझसे मिलने आएगी। मैं तुम्हें वास्ता देता हूं, अपनी दोस्ती का, अपने प्यार का मान जाओ, मान जाओ राजू, गौरव मर चुकी है। इस जुनून को छोड़ दो, ये बात कहते कहते मैं थक गया हूं। यही तो तुम्हारी गलती है इंदर, तुम थक जाते हो। इंसान विश्वास और मोहब्बत के मामले में थक जाए तो उसका विश्वास और उसकी मोहब्बत एक दिन मर जाती है। मेरी तरफ देखो, तुम कहते हो कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं हिला जुला तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं इसलिए कि मेरा विश्वास जिंदा है इंदर। राजू, जिसे तुम विश्वास कहते हो वो एक वहम है, एक कभी ना पूरा होने वाला ख्याल है, और जिसे तुम थकान कहते हो वो एक दानाई है, सुलझी हुई। और जिस मोहब्बत का सहारा लेकर तुम समझते हो कि गौरा आज तुम्हें मेले पर मिलने आएगी वो बकवास है, सरासर बकवास है, बकवास है। तो फिर बताओ इंदर, वो खिलौना क्या है? छलावा है क्या? बोलो। चलो मैं उसे छलावा मान भी लूं। जिस वक्त गौरा दरिया में गिरी थी वो खिलौना उसके हाथ में था, लेकिन उसी खिलौने को मैंने सपने में समाधि के पास पड़ा हुआ देखा। तुमने कहा सपनों की बातें सच नहीं हुआ करती, लेकिन खुद अपनी आंखों से उसी खिलौने को समाधि के पास पड़ा हुआ देखा। उस खिलौने को मैं ले आया अपने साथ और एक लड़की उसे यहां से उठाकर ले गई। जानते हो वो लड़की कौन थी इंदर? वो लड़की गौरा थी, गौरा थी। लेकिन तुम नहीं माने, इससे मुझे एक और सबूत मिल गया। उस रात कोठली में बाढ़ आ जाने की वजह से गौरा यहां ना आ सकी। तुमने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन वो चीख याद है? वो चीख, उस मां की चीख जिसका बच्चा दरिया में बहकर मर गया। और आज इतनी बातें सच हो जाने पर भी तुम कहती हो कि ये झूठ है, ये बकवास है। कितने जिद्दी हो तुम इंदर। लेकिन राजू, गौरा खिड़की से गिरकर मर चुकी है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पानी में एक बुलबुला उभरता है, वो देखा है ना, अचानक फट भी जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बुलबुला फना हो गया, खत्म हो गया। इंदर, अंधेरी रातों को जब चांद नजर नहीं आता तो पगले, इसका यह मतलब नहीं कि चांद मिट गया। मैं समझा नहीं राजू, तुम कैसे समझ सकते हो? तुमने मोहब्बत नहीं की इंदर, सिर्फ एक औरत को चाहा है। राजू, रीटा, राजू को रोको, रीटा राजू को रोको, राजू को रोको रीटा। मत जाओ।
गया कौन? मैं आ गया राजू, मुझे इसी रात का इंतजार था। इंतजार? अब हम दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। गौरा, 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 गौरा! राजू, गौरा पुनर्जीवित तुम्हारा विश्वास था, जिसको तुम गौरा के रूप में देखते रहे, उससे प्रेम करते रहे। आज गौरा की रूह तुम्हारे रूप में समाने के लिए बेचैन है। आ जाओ राजू, मौत के रास्ते से आ जाओ।